ये सारी लाइन से वॉशरूम दी रहती है, जब भी आप वॉशरूम में आओगे लेडीज के, तो ये सब इंडियन वॉशरूम होते हैं बाथरूम। लेकिन लास्ट की जो होती है ना वो क्या कहते हैं, इंग्लिश होते हैं। देखिए इंग्लिश होते हैं, बाथरूम भी माशाल्लाह काफी साफ होते हैं। अंदर आते हैं ना उतना खाली आपको मिलता है, बहुत सारे लाइन से बने हुए होते हैं। हाँ, नमाजों के टाइम पे जब नमाज बस शुरू होने वाली है उससे पहले एकदम फुल हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करना है कि आधा घंटा पहले अगर आप आके वजू कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भीड़ भी नहीं रहेगी और इत्मीनान से आप वजू कर पाएंगे। ये देखिए जो आखिर के जो होंगे ना, मैं वहाँ से एंटर की हूँ, पर आखिर में जो होते हैं वो इंग्लिश बाथरूम होती है। और जो व्हील चेयर वाले पेशेंट होते हैं ना उनके लिए स्टार्टिंग में दी हुई होती है, इस तरीके से व्हील चेयर बनी हुई होती है। अंदर भी वैसी ही सहूलत होती है जैसे व्हील चेयर वाले पर्सन को यूज़ होती है। वजू के बाद है ना, और बाथरूम में भी टिशू नहीं होता है ना, तो आपने याद रखना है कि भाई टिशू हो तो पर्स में मेरे टिशू तो हो ही रहता है, अभी और होगा नीचे टिशू के बिना तो नहीं भाई। ये पैर वैर में नोच के मैं जूता ही पहनकर आ रही हूँ, पैर साफ पोछने के लिए टिशू की ज़रूरत है, तो फिर वो मोज़ा भीगा हुआ फिर जूता भीगा हुआ। ये सीढ़ी भी दी हुई है और फिर जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती है वो भी, तो अक्सर लोग वो भी यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी है अगर आप इधर आ रहे हो ना तो ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करना सीख ले, नहीं तो फिर वो इतनी लंबा उतरना और चढ़ना होता है ये सीढ़ियों में, ये थोड़ा सीख लेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हरम सामने ही होता है। ये देखिए मस्जिद नबी में इस तरीके से दस्तर बिछाया गया है और हर एक को ये दिया है। आज जुमेरात है मतलब थर्सडे, तो शायद रोजे के हिसाब से दिया जाता है, नो आइडिया। ये देखिए ये शायद शक्कर है या गुड़ है, पता नहीं क्या है। ये दही है, यहाँ दही बहुत खाया जाता है और गर्मी भी ज़्यादा है तो खानी भी जानी चाहिए। दही की मीठी मीठी बॉटलें भी आती है लस्सी जैसी, वो भी लेके हम तो पीते बाबा, गर्मी इतनी है ना तो ज़रूरी है दही। तो दही है, कुछ खजूरें हैं और ये बज रहे हैं सुबह के 3, थोड़ा लेट हो गया है, हम पहुंच गए माशाल्लाह से हरम में। आज जुमा का दिन है तो माशाल्लाह रौनक भी ज़्यादा है। आज पता है ठीक है, कल ईशा मगरिब और ईशा में भी ज़्यादा थे, मेरे को ऐसा था कि हाँ लोग ज़्यादा आ जाते और छुट्टी लोकल लोग ज़्यादा आते होंगे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول जब हम अभी तहज्जुद पढ़ने आ रहे थे ना तो नीचे जो नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू जो प्रोवाइडर बैठे होते हैं ना, तो हमने उनसे कहा कि भाई हमारा लेडीज़ का अभी तक रियाजुल जन्ना में हुआ नहीं है, सो उसके क्या प्रोसेस है आप प्लीज़ करके दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग आ जाओ 4:30 बजे यानी फजर के बाद, हम आपका कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने वो रजिस्टर कर दिया। मुझको ऐसा लगा था कि नहीं बिना रजिस्टर के जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ही किसी लेडी ने कहा था और नॉर्मल हम पहले भी आए थे तो 32 गेट नंबर से जाते थे, तो हम वहाँ गए थे और ज़्यादा आगे जाने नहीं मिला, तो पीछे से मुझको यही लगा कि भाई यही रियाजुल जन्ना है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो बिल्कुल रियाजुल जन्ना के बाजू वाले जगह पर आपको लेके जा रहे हैं बिना परमिट के, परमिट के साथ आपने हाँ ये रोज़े में जाने का जो आपको मिला है ना वो परमिट के साथ ही ज़रूरी है। सो गेट नंबर 37 के पास हमको अंदर लेकर आया गया और फिर जमजम की बॉटल दी गई और बस माशाल्लाह से ये सहन में हम खड़े हैं और ये जो छतरियाँ खुल रही थी नबी के रोजे के पास, इतना खूबसूरत ये मंजर लग रहा था कि तेरी शान के हो लायक वो सना का सलाम, तुझे प्यार आए जिस पे, तुझे आए प्यार जिस पे, वो अदा
तलब ना हो लब पे कोई शिकवा, जो भूल बार का हो ना हो लब पे कोई शिकवा, जो भूल बार का हो वो सदा सिला। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने लिखा था। अल्लाह बार बार हर मुसलमान के नसीब में ये दिन को लिख दे। अच्छा मैं थोड़ा समझा दूँ, जैसे ही आप दाखिल होते हैं ना तो सामने की तरफ किबला है, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना ये मिंबर है, यहाँ हमारे नबी खड़े होकर खुतबा दिया करते थे और ये सामने किबला है और बिल्कुल उसके यानी सीढ़ियों के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो हरा और गोल्डन कलर का ये जो दिख रहा है ना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ मुबारक है। यहाँ हज़रत आयशा का घर था तो हमारे नबी ने फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ना वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। तो कोशिश करके फिर आगे चले जाना चाहिए। ये जो पिलर दिख रहे हैं ना वो डिज़ाइन वाले पिलर है। पहले तो रेड कारपेट बिछाया जाता था ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए कि कौन सा टुकड़ा है, पर अभी पिलर थोड़े नक्शो निगार वाले हैं। अगर पिलर आप पहुँच गए मतलब आप वो जो मेन एरिया है उसमें पहुँच गए। तो फिर जन्नत के बारे में है ना कि जो मांगेंगे वो मिलेगा, तो बिल्कुल इसी तरह उस जगह पर बैठ के इंशाल्लाह जो मांगेंगे वो भी हमको मिल जाएगा, यानी दुआएं कबूल होती है वहाँ पर, इबादत का सवाब भी बढ़ाया जाता है। तो कोशिश करा करे कि वहां तक पहुंचे। अल्लाह हर मुसलमान के दिल में नबी की मोहब्बत को कूट कूट के भर दे और नबी की सुन्नतों पर हमको अमल करने वाला बना दे। यहाँ पर ज्यारत करने के बाद आपके दिल में अजीब तरीके का सुकून और मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर जैसे मैंने बताया कि जुम्मा है कि तो जुम्मा के दिन जल्दी मस्जिद पहुंचना है वरना मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलेगी। तो बस 10 बजे नहा धोकर हम तैयार हो गए मस्जिद में जाने के लिए। ये सेकेंड डे मैंने आने के बाद ना सनग्लासेस ले लिए थे क्योंकि धूप इतनी है ना कि आंख ही नहीं खुल पा रही है। तो हर चीज फैशन नहीं होती है, कुछ चीज समझ जानी चाहिए भाई कि मजबूरी में इंसान यूज़ कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो धूप की वजह से बीमार बीमार हो जाएंगे। तो बस ये लेके निकल गए हैं। कपल गोल हमेशा होना चाहिए तो अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर ने टाइमिंग मान लिया है कि हम इस तरीके से साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं। अच्छा ये हो रहा है जुम्मा का खुतबा और खुतबे में ये बात बताई गई कि अल्लाह एक ही इबादत करे। हाजियों को कहा जा रहा है कि तुम दीवारों से, तुम पहाड़ों से, इन सब चीज़ों से नहीं मांगो, एक अल्लाह ही है जो देने वाला है, चीज़ों से मांगना छोड़ दो। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि अरबी ज़बान आती है, तो वो खुतबा भी समझ में आ रहा है और जो कुरान अरबी में नाजिल हुआ जब वो मदीने में मक्का में पढ़ा जाता है तो वो समझ में आता है ना, तो उसकी बात अलग ही है। खाली सुनने में और समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमको ये ज़बान आती है ताकि हम वो जो कुरान के रियल मज़े है सुनने के बाद समझने के बाद फिर हो सकता है अल्लाह अमल की तौफीक भी अता फरमा दे। बहुत अच्छा लगता है। तो अरबी भी सीख ही जानी चाहिए, कुरान समझने के लिए सीख ले। أيدكم الله تعالى فوجهت الجهود وجندت الجنود وحشدت الحشود। अच्छा नमाज जब खड़ी होने वाली होती है ना उससे पहले इमाम साहब कहते हैं कि इस तवो सफूफकुम, ऐसा कुछ बोलते हैं कि भाई अपनी सफ़ों को सीधी कर लो, यानी पैर से पैर मिला लो, कंधे से कंधे मिला लो, लेकिन हमको समझ में नहीं आता तो जैसे है वैसे ही खड़े होते हैं। तो इस तवो का मतलब होता है भाई सीधे खड़े हो जाओ। وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
से